हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे प्लगइन्स के बारे में बताएंगे इस FL Studio 20 के अंदर, जिससे आप किसी भी गाने का मेलोडी बना सकते हो और किसी भी गाने के लिए आप बेसलाइन पैटर्न बना सकते हो। तो कौन सा प्लगइन्स है, चलिए हम आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो उस प्लगइन्स का नाम है, यहाँ पे देख सकते हो, ऐड के ऊपर क्लिक करना है और एफ्लेक्स इस प्लगइन्स का नाम है। ये एक ऐसा प्लगइन्स है जिसके अंदर आपको म्यूजिक बनाने के लिए एक नहीं बल्कि कई सारे आपको साउंड्स मिलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो, हर टाइप का इसके अंदर आपको म्यूजिक बनाने के लिए आपको टोन मिलेंगे। और बेसलाइन पैटर्न बनाने के लिए आपको इसके अंदर प्लग्ड पैटर्न मिल जाएंगे। और अगर आप अपने गानों में बेस डालना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो, आपके बेस के भी इसके अंदर टोन आपको दिए हैं। तो चलिए सबसे पहले हम मेलोडी की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो FLX BST प्लगइन से, ये आपके FL Studio 20 के अंदर होता है। और यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, सबसे पहले इसको हम असाइन करेंगे टू न्यू इंस्ट्रूमेंट ट्रैक। ये हमारा पहुँच चुका है 5 नंबर पे। और यहाँ पे हम छोटा सा एक मल्टी वेंट कंप्रेसर यूज करेंगे इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। प्रेसेट पे आएंगे और हम यहाँ से मास्टरिंग 6 dB कर देंगे। और उसके बाद में हम यहाँ पे आएंगे और एक हम साउंड गुडाइजर का यूज करेंगे इसकी क्वालिटी को बढ़ाने के लिए। काफ़ी अच्छा प्लगइन्स है साउंड गुडाइजर अपने वोकल के लिए और अपने इस प्लगइन्स के लिए, यानी कि अगर आप मेलोडी कर रहे हो या फिर बेसलाइन पैटर्न बना रहे हो तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है इन दोनों प्लगइन्स से। तो इसको हम यहाँ से साइड में कट करते हैं। और उसके बाद में इसके साउंड्स की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो, हर टाइप का इसके अंदर आपको साउंड मिल जाता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पे प्योरिटी कैप क्यूब है, यहाँ पे देख सकते हो। अगर इसके साउंड्स की बात करें आपने सुना, काफ़ी अच्छा इसके अंदर साउंड्स है, हर टाइप का आपके इसके अंदर साउंड्स मिलेगा। और उसके बाद में स्ट्रिंग्स की बात करें, तो काफ़ी अच्छा साउंड है। और उसके बाद में हर टाइप का इसके अंदर आपको म्यूजिक बनाने का जो टोन है साउंड से मिलेगा। ये ब्लैक स्ट्रिंग है, इसको आप मेलोडी के लिए यूज कर सकते हो। फिर इसके अंदर लीड मिल जाता है। इसको आप मेलोडी के लिए यूज कर सकते हो और बेसलाइन के लिए भी यूज कर सकते हो। हंटिंग हावर है इसके, देख लेते हैं इसका किस तरह से साउंड है। तो इतना अच्छा नहीं है लेकिन बाकी के जो साउंड्स हैं काफ़ी अच्छे हैं। तो काफ़ी चीज़ इसके साउंड्स आपको मिल जाते हैं। उसके बाद में अगर हम इसके प्लग्ड पैटर्न की बात करें तो चलिए एक छोटा सा हम बना लेते हैं इसके अंदर बीट। फिर इसका जो प्लग्ड पैटर्न है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। इसको हम 1/4 स्टेप करते हैं और उसके बाद में इसको हम यहाँ से एक हाई हैट ले लेते हैं। और फिर उसके बाद में हम यहाँ पे एक परक्यूशंस ले लेते हैं, एक बीट छोटा सा बना देते हैं जिससे हम अगर बेसलाइन पैटर्न बनाएं तो वो काफ़ी अच्छा लगे सुनने में। ये हमारा बन चुका है और उसके बाद में ये हमारा पैटर्न आ चुका है। फिर यहाँ पे हम लेंगे इसको दूसरे नंबर पे और यहाँ से हम क्लिक करेंगे राइट। और उसके बाद में इसका जो यहाँ पे आएंगे प्लग्ड पे आ जाएंगे। प्लग्ड के बहुत सारे इसके अंदर पैटर्न आपको मिल जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, आपको डिले मिल जाएगा, इसके टाइमिंग को आप कम ज़्यादा कर सकते हो, मिक्स को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, रिवर्ब, अगर इसमें रिवर्ब डालना चाहते हो तो रिवर्ब को डाल सकते हो, अगर इसको बंद करना चाहते हो दोनों को यहाँ से आप बंद भी कर सकते हो। और इसका जो लिमिटर है,
तो लिमिटर को भी अगर आप बंद करना चाहते हो तो बंद कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है बंद करने से क्वालिटी आपका लॉस होगा। ये मास्टर फिल्टर है, इसको आपको ऑन ही रखना है, बस आपको केवल डिले और रिवर्ब के ऊपर ही काम करना है। यानी कि अगर आप जो प्लग्ड पैटर्न बना रहे हो या फिर मेलोडी कर रहे हो उसके अंदर आपको कितना डिले या कितना रिवर्ब देना है वो आपको यहाँ पर डिपेंड करना है। और उसके बाद में अगर इसके हम बेसलाइन पैटर्न की बात करें तो चलिए हम जल्दी से एक बेसलाइन पैटर्न यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं। तो बेसलाइन पैटर्न देख लीजिए कैसे बनता है। और उसके बाद में इसी को हम यहां से कॉपी करेंगे। ये हमारा प्लग पैटर्न बन चुका है, यानी कि बेसलाइन पैटर्न। इसके बहुत सारे साउंड्स हैं, आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे क्लिक करिए और यहाँ पे देख सकते हो कौन सा आपको इसके अंदर साउंड्स लेना है, आप ले सकते हो। बहुत सारे इसके अंदर साउंड्स आपको मिल जाते हैं बेसलाइन पैटर्न बनाने के लिए। और फिर अगर हम नेक्स्ट पैटर्न यहाँ पे लेते हैं और इसको यहाँ से हम कर लेते हैं क्लोन, और क्लोन के बाद में अगर इसमें आते हैं बेस तो बेस भी हम डाल सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करिए, इसके साउंड्स को एक बार हम चेक कर लेते हैं। इसके साउंड को तो थोड़ा सा हम कम करेंगे यहाँ से। और उसके बाद में इसको हम नीचे रख देंगे यहाँ से। इस तरह से आप इसका बेसलाइन पैटर्न भी बना सकते हो और मेलोडी भी तैयार कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा प्लगइन से ये आपको FL Studio 20 के अंदर मिलेगा, जो काफ़ी अच्छा प्लगइन है। और हर टाइप का इसके अंदर साउंड्स मिलेंगे मेलोडी करने के लिए। तो आई होप दोस्तों कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।